फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे कविता टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी ड्रेस लेके आई हूँ, जिसे आप शादी में, फंक्शन में, जैसे कि आपको पता ही अब शादियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए अगर आप भी अपने कम बजट में अपने लिए एक बहुत प्यारा सा लहंगा और ब्लाउज तैयार करना चाहती हैं, तो वीडियो तो आपको अनुज कुमार चैनल पर मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसा लहंगा और ब्लाउज तैयार किया है, और जो मैंने उसके साथ दुपट्टा लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लहंगा देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा है, जिसको हमने नेट से बनाया है। इसका हमने एक स्टोरी डाली हुई है ऐसे कविता टॉक चैनल पे, अगर आप देखना चाहती है तो। ये देखिए, जिसके हमने जो इसका वो है बेल्ट है, उसमें हमने लेस लगाई है। यहाँ पे ये लटकन है, और जो इसका बॉटम है वो मैंने सिंपल रखा है, जिसमें हमने जो प्लास्टिक वायर होता है उसको लिया है, ताकि जो घेरा है वो काफ़ी अच्छा आए, लुक अच्छा आए उसका। तो बहुत ही, अगर आपको पूरा दिख रहा हो तो एक बार देखना, वो पूरा आ रहा है इसमें। ये देखिए, मैं आपको इसे, इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग से हम खरीदते हैं, तो हमारा छोटा बड़ा होता है, तो उसको हमें कराना पड़ता है ठीक, लेकिन जब हम खुद से बनाते हैं तो हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो कि मेरे बहुत ही फिट है। अगर हम हील पे भी पहनेंगे, जूती पे भी पहनेंगे, तब भी एकदम फिट है। ये लहंगा हो गया इसका, और ये इसका ब्लाउज है, जिसको भी मैंने बिल्कुल स्टाइलिश लुक में बनाया, जिसके साइड में मैंने हुक दिए हैं। ये देखिए, इसके साइड में मैंने हुक दिए हैं, और इसमें मैंने डबल लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स लगाई हैं। ये देखिए, और इसको मैंने डिजाइन में बनाया, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा बॉट नेक है इसमें, और इसमें हम जो कप हैं वो हमने इसमें नहीं लगाए हैं, उनको हम अलग से कैरी करते हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। कई बार कोई कप वाले ब्लाउज पहनता है, कोई नहीं पहनता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है कि ये इस टाइप के कप आते हैं, जिनको आप अलग से भी कैरी कर सकते हो फिटिंग के लिए। तो ये देखिए, ब्लाउज है जिसके ऊपर हमने ये ब्लैक कलर की लेस का यूज़ किया है। ये जो ब्लैक कलर की लेस है, इससे इसका लुक बड़ा ही प्यारा आ रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है जब पहनते हैं इसको। मैंने इसके साथ ये हल्का सा पिंक दुपट्टा कैरी किया है, क्योंकि जो इसमें फ्लावर हैं उसी हिसाब से। और ये जो मुझे दुपट्टा है, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, क्योंकि जो सिंपल सिंपल दुपट्टे हैं वो तो नॉर्मली मिल रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल हटके चाहिए था इसके लिए, जिसपे जो ये लेस है आजकल, ये लेस भी काफ़ी महंगी मिलती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इसमें काम है वो काफ़ी अच्छा काम है इसमें। ये इसके साथ बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम अच्छा जा रहा है, और मुझे बहुत पसंद आया है ये। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा पहन के भी दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे आ रहा है दुपट्टे के साथ में, ताकि आपका मन करे कि हाँ सच में हम भी बनाएं। और फ्रेंड, जो मैंने काफ्तान ड्रेस पहनी है, इसका वीडियो भी मेरे अनुज कुमार चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये भी आप घर बैठे ईजिली बना सकती हैं। चलिए, तो इसको पहन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक है ये। किस तरीके से लुक आ रहा है एक बार मुझे जरूर जरूर बताइए कमेंट करके। तो ये मैंने बहुत ही कम पैसों में बना के तैयार किया है, और इसमें हमारा 5 मीटर नेट लगा है इस लहंगे में भी और ब्लाउज में भी, और काफी अच्छा इसका लुक आ रहा है। दुपट्टा मैंने इसका सिंपल ही कैरी किया है, आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है। ये देखिए, और बैक से भी इसका जो डिजाइन है ब्लाउज का वो कुछ इस तरीके से है, और फ्रंट से भी ये बहुत ही अच्छा इसका डिजाइन है, तो जरूर बनाइएगा अपने लिए। और घेरा देखिए आप इसका,